आखिरी बार गुवेन को बारिश की बॉडी मिली थी, तो क्या वो जिंदा है या नहीं है? वो जिंदा है, उसको हॉस्पिटल लाया जाता है। हांडे बहुत रोती है। गुवेन उनसे कहते हैं कि कमिश्नर के सामने सच नहीं बोलना है। हांडे उसे डांटती है कि वो और झूठ नहीं बोल सकती। गुवेन उसे डांटता है, कहता है अगर बारिश को कुछ हुआ तो हम जेल जाएंगे। उन्हें मना लेता है झूठ बोलने के लिए। इधर एरन तोपराक को बताता है कि मेरी बहन थी अचेलिया, उसको जिसने मारा है उसको मैं भी ख़त्म करना चाहता हूँ। तोपराक पूछता है तो फिर ये ए कौन है और तुम अचेलिया के साथ फलाने डेट पे उस हॉस्पिटल में किससे मिलने गए थे? एरन कहता है ए कौन है ये मैं भी नहीं जानता और उस हॉस्पिटल में मेरा जाना नामुमकिन है उस डेट पे, क्योंकि मैं टर्की में ही नहीं था। आसली एरन को बारिश की खबर देती है तो तोपराक और एरन हॉस्पिटल जाने लगते हैं। इधर ये सब लोग कमिश्नर से कहते हैं कि बारिश की बॉडी गायब होने के बाद हांडे को नोट मिली कि ये सब मजाक था। गुवेन को भी हांडे ने यही कहा जब एम्बुलेंस बुलाई गई। फिर सारी लड़कियां हांडे के घर एंजॉय कर रहे थे। टैप चालू करने पर खून दिखा तो सब डर गए। जब वो बाहर गए तो वहाँ पे पुलिस वाला यानी गुवेन दिखा तो उससे हेल्प लिया और टैंक में बारिश मिला। और कहते हैं कि ये सब देख के हम सब बहुत हैरान हो गए थे। यानी कोई भी कमिश्नर को ए के बारे में नहीं बताता है। एरन और तोपराक आते हैं, सूरत हाल जानते हैं। तोपराक सेलिन से पूछता है कि बताया क्यों नहीं। सेलिन कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें दिलचस्पी होगी। तोपराक कहता है दौड़ कर आ जाता अगर बताती तो। डॉक्टर निकल कर कहते हैं फिलहाल वो ठीक है पर वक्त चाहिए पूरी तरह ठीक होने के लिए। सब राहत की सांस लेते हैं। कमिश्नर गुवेन से कहते हैं होश आते ही उससे उसका बयान ले लेना। बारिश के होश आते ही गुवेन उससे पूछताछ करते हैं कि किसने किया ये सब तुम्हारे साथ। बारिश को कुछ समझ नहीं आती। गुवेन बाहर जाके सबसे कहते हैं कि उसे कुछ याद ही नहीं है। सब हैरान। हांडे अंदर जाके कहती है बारिश बस यही देखना था कि तुम ठीक हो, मुझे माफ़ कर दो। बारिश उसे हैरानी से देखकर कहता है मैं आपको नहीं जानता। हांडे कहती है मैं हांडे तुम्हारी गर्लफ्रेंड। बारिश कहता है मेरी गर्लफ्रेंड? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, मैं तो एसगी को चाहता हूँ। हांडे गुस्से में कहती है कौन एसगी? बारिश कहते हैं मेरी स्कूल की एक प्यारी लड़की है। हांडे कहती है प्लीज़ मजाक मत करो। बारिश कहता है अरे आपा मैं कह रहा हूँ ना कि आपको नहीं जानता। हांडे भी लाइक आपा। बाहर एरन डॉक्टर से पता करके आया कि बारिश ने अपनी आखिरी 5 सालों की याददाश्त खो दी है। हांडे कहती है अगर वो मुझे भूल गया तो? आसली कहती है कम से कम वो ए के बारे में भूल गया, इससे ए से उसको खतरा नहीं होगा। तोपराक कहता है इतना आसान नहीं है। गुवेन कहते हैं आखिरी उम्मीद मिली थी वो भी गया। सेलिन उसे डांट देती है वैसे मुझे लगता है कि ए ने ही उसकी याददाश्त हटाई है किसी तरह। हालांकि डॉक्टर्स को भी पता नहीं लग रहा है कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि बारिश को तो छाती पे चोट लगी थी। अगले 3 दिनों में सबको बारिश की खबर हो गई, हांडे की मॉम को भी, क्योंकि हांडे स्कूल मिस करके बारिश के पीछे लगी थी। 3 दिनों बाद हांडे अपनी अम्मी से परमिशन मांगती है बारिश को अपने घर पर रखने के लिए। उसकी अम्मी नहीं मानती, कहीं यही रहने लग गया तो? हांडे कहती है कि उसका कोई भी नहीं है, कम से कम उसे अकेला तो फील नहीं होगा। बहुत मनाने के बाद उसकी मॉम मान जाती है। हांडे की बातों से समझ जाती है कि वो बारिश से प्यार करती है। इधर तोपराक जैनसेट से एरन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं उस दिन एरन अचेलिया के साथ नहीं गया था हॉस्पिटल, मे बी अचेलिया किसी और को लेके गई थी पर नाम एरन का लिखवाया था। जैनसेट कहती है क्या उसे भी अचेलिया दिखती होगी अभी? तोपराक कहते हैं सिर्फ तुम्हें ही दिखती है, कहीं ये बीमारी ना बन जाए। हांडे हॉस्पिटल जाती है बारिश को लेने पर बारिश को डिस्चार्ज कर दिया गया है। हांडे उसे ढूंढती है और उसे वो बस स्टॉप पे मिल जाता है। वो बारिश को डांटकर घर ले जाने लगती है। बारिश नहीं जाएगा, कहता है मुझसे दूर रहो मैं तुम्हें नहीं जानता। हांडे कहती है कहाँ जाओगे तुम? बारिश कहते हैं उस दुकान में जहाँ मैं काम करता हूँ। हांडे कहती है वहाँ तुमने 5 साल पहले काम करना छोड़ दिया। बारिश कहते हैं हाँ हाँ पता है, तुमने बता दिया कि मुझे अपना 5 साल याद नहीं। हांडे उसके नखरे उठाती है और उसे ज़बरदस्ती घर ले जाती है। इधर क्लास ख़त्म होने के बाद आसली एरन से बात कर रही होती है, मुँह के आके उन्हें ताने मारती है। अकेले में आसली को अपनी हेल्प करने कहती है उसके और हांडे के डिज़ाइंस पर फैशन शो में मॉडल बनने के लिए, वरना उसकी और एरन की तस्वीर लीक कर देगी। आसली गुस्से में सेलिन और एब्रू को बताती है, कहती है तुम दोनों को भी बुला रही है मॉडल बनने के लिए, इनको मानना पड़ता है। हांडे बारिश को अपने घर लाती है, उसे वॉशरूम दिखाती है ताकि उसे याद आए कि वहाँ क्या क्या हुआ था। पर बारिश कहता है यहाँ कितनी देर खड़ी रहोगी? हांडे मायूस होकर उसे नीचे ले जाती है और कहती है देखो यहाँ तुमने मेरे साथ मजाक किया था पर ए ने वो मजाक सच कर दिया था, बोल के बारिश का हाथ पकड़ लेती है। बारिश हाथ हटा के कहता है ये ए कौन है? हांडे कहती है ना जानना ही अच्छा है। शाम को उसे उसकी दवाइयाँ देती है। बारिश पूछते है कि क्या हम सच में कपल थे, यानी कहीं तुम धोखे में तो नहीं रख रही मुझे? हांडे उसे टाल देती है। हांडे की मॉम आती है और बारिश उससे मिलकर शुक्रिया करता है और माफ़ी मांगता है जहमत के लिए। हांडे की मॉम उसको वेलकम करके जल्दी रूम में चली जाती है।
हांडा समझ जाती कि परेशान है उसकी मॉम। उसके पास जाके उसे पता चलता है कि जिस लेडी के पैसे उसकी मॉम ने चोरी किए थे वो वक्त से पहले अपना अकाउंट चेक करने आ रही है। अब सब खत्म। हांडे जल्दी से एक ही लौटाए हुए पैसे अपनी मॉम को दे के कहती है कि मैंने अपने डिज़ाइंस बेच के ये पैसे कमाए हैं। उसकी मॉम यकीन नहीं करती, पूछती है सच बताओ ऐसे कैश तो कोई देता नहीं है। हांडे कहती है मैंने कैश ही लिया है, मेरे और डिज़ाइंस बेच के बाकी पैसे आ जाएंगे। इधर तोपरा अपने डैड से कहते हैं कि जेनसेट के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, आजकल वो अचेलिया से ऑब्सेस्ड होती है, उसे मेंटल क्लिनिक पे ले जाना होगा। तोपरा और जेनसेट का प्लान है ये, क्योंकि जेनसेट वहीं पे खड़ी सब सुन रही है और तोपरा उसे इशारा कर रहा है। उसका डैड मान जाता है। उसके बाद वो लोग जेनसेट को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। जेनसेट और तोपरा की बातों से लगता है कि जेनसेट फिर से कोई इन्फॉर्मेशन निकालने आई है यहाँ, शायद ये जानने कि एरन सच कह रहा है कि नहीं। इधर हांडे बारिश को अकेला ना छोड़ने के लिए उसे कॉलेज लाई है, उसे बाहर बिठा के अंदर अपने फैशन शो के लिए काम करती है। मुगे इन तीनों से वॉक करवा के इन पे हुक्म चलाती है, ये लोग तंग आ जाते हैं। हांडे मुगे को डांटती है इसके लिए। इधर बारिश बोर होके कहीं जाने लगते हैं। गुवेन उसका पीछा करता है। बारिश एक होमलेस इंसान से किसी मुस्तफ़ा के बारे में पूछता है। वो इंसान कहते हैं मुझे नहीं पता। गुवेन बारिश को अकेले में मिलके उससे कहते हैं कि हमने ढूंढ लिया कुछ लोगों को जिनमें से कोई एक है जिसने तुम पे हमला किया था, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा उसे पहचानने के लिए। बारिश हैरान होकर उसके साथ चला जाता है। फैशन शो की तैयारी करते करते मुगे कुछ ज़्यादा ही नखरे करती है और सबको तंग करती है कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। हांडे उसे एक लुक देती है और वो चुपचाप चली जाती है। सबको उस पर बहुत गुस्सा आता है। तभी हांडे को एक मैसेज आती है और हांडे को देख के थोड़ा शक सा होता है। फैशन शो होती है और सारी लड़कियां हांडे और मुगे के कपड़े पहन के रैंप वॉक करते हैं। असली के वक्त उसके मॉम डैड और एरन बहुत स्माइल करते हैं। एनीवेज आखिर में डिज़ाइनर्स आके खड़े होते हैं। हांडे थोड़ी नर्वस लगती है और अचानक पीछे स्क्रीन पे एक तस्वीर आती है और सबके होश उड़ जाते हैं। स्क्रीन पे असली और एरन के करीबी वाली तस्वीर है जो मुगे ने खींची थी। सब शॉक्ड। हांडे डरी डरी सी लग रही है। क्या आपको भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? एनीवेज असली और एरन चले जाते हैं। असली का डैड एरन के पीछे जाके उसको मारने लगता है और कहता है हमें शर्मिंदा किया तुमने, अब तुझे स्कूल से निकाल दूंगा। एरन बिना कुछ कहे चला जाता है। फिलहाल इतना ही, क्योंकि असली सस्पेंस नेक्स्ट वीडियो में होगी। ओके दिन वीडियो खत्म।